मुझे लगता है कि मैं अब आप सबके लिए परेशानी बनता जा रहा हूँ। आप सबको इस परेशानी से मुक्त करने के लिए मैं इस घर से आप लोगों से दूर जा रहा हूँ। अगर आज ऋषि लौट कर नहीं आया तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगा। मैं तो निकल चुका था पर सही वक्त पर सुबह ने आकर मुझे रोका। सिर्फ एकलव्य की बातें करने से कोई एकलव्य नहीं बन जाता। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट के दे दिया था। तुम क्या दक्षिणा दोगी अपने गुरु को? क्या हुआ सुबह, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? क्या दक्षिणा दोगी अपने गुरु को? मैं अपने गुरु को उनकी जिंदगी वापस लौटा दूंगी। ये तुम्हारे गिल्ली डंडे के खेल जितना आसान नहीं है। कोई कांच का ग्लास नहीं टूटा है, मेरे बेटे का दिल टूटा है। दिल उस शलाका के जाने के बाद पल पल मरते हुए बिखरते हुए देखा है मैंने बेटे को। सही कहा आपने काकी, मास्टर जी सलाका से सच्चा प्यार करते हैं। आपसे एक बात पूछूं काकी, आपको सलाका कैसी लगती थी? मुझे वो अच्छी लगती थी, तभी अपने सोने के कंगन उसे शगुन के तौर पे दिए थे मैंने। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों की लड़ाई में मेरे बेटे की खुशियों को आग लगा कर चली जाएगी। हम दोनों की लड़ाई, और नहीं तो क्या? उसने जो कुछ भी किया तुम्हारे खिलाफ किया है, मेरे बेटे के खिलाफ कुछ नहीं किया उसने। एकदम सही कहा काकी, सलाका ने कभी मास्टर जी के साथ कुछ गलत नहीं किया। वो सही थी या गलत ये मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ मेरा ऋषि उसे सच्चा प्यार करता था। लेकिन अब सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ। आप चिंता ना करें काकी, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। बस सुबह बस, ये तुम्हारा जादू का खेल नहीं है कि छड़ी घुमाई और सब कुछ ठीक हो गया। ठीक तो मैं सब करके ही रहूंगी काकी, कैसे ही अभी पता नहीं, पर मैं ऋषि कुमार को उनकी जिंदगी लौटाकर उसके साथ इस घर की खुशियां भी लौटाऊंगी जरूर। गुड मॉर्निंग मारा वालेड़ा, ये देख देख बेटा तुलसी और अदरक वाली वो चाय बनाकर लाया हूँ अपने हाथों से। हाँ अपने हाथों से? हाँ सच्ची? हाँ। अरे तू ये चाय तो पीकर देख, ऐसी चाय लाया हूँ कि यहाँ चाय तेरे गले से नीचे उतरी और वहाँ तेरी उदासी तेरा टेंशन सब मंत्र हो जाएगी। चल चल हम दोनों साथ में बैठकर चाय पिएंगे। एक मिनट ऋषि, वो चाय मत पीना। देख मैं तेरे लिए स्पेशल टी बना कर लाई हूँ। अब तुम भी यानी मैं ही लाई हूँ? अरे मैं ही अपने ऋषि के लिए स्पेशल शहद वाली अजवाइन डालकर और तुलसी वाली हर्बल टी लाई हूँ। अरे ये तो मेरी टी है। लो, मैंने सोचा था कि आज मैं अपने ऋषि बेटे के साथ बैठकर चाय का मजा लूंगी, लेकिन लो यहाँ तो रेलवे की तरह पहले ही वेटिंग लिस्ट है। कैसी बात कर रही हैं आप, आपके लिए थोड़ी ना होती लाई। एक मिनट, वो सब चाय तो तू बाद में भी पी सकता है। ये देख मैं तेरे लिए कॉफी लाया हूँ, पहले मेरी कॉफी पी। अच्छा तू भी अपने हाथों से बना कर लाया होगा ना? और क्या लाडूबा, मैंने सोचा खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, ऋषि मैं और कॉफी। बिल्कुल नहीं, मैं उसका दादा हूँ इसलिए वो पहले मेरी चाय पिएगा। और मैं उसकी दादी हूँ और लेडीज फर्स्ट मेरे हाथ की पिएगा। पर मैं उसका छोटा भाई हूँ, मेरी कॉफी पिएगा ऋषि, मेरी कॉफी पिएगा। पहले मेरी चाय। एक मिनट रिलैक्स। मैं सब समझ गया हूँ। इन शॉर्ट आप लोग यही चाहते हैं ना कि आप लोग मेरे साथ बैठकर चाय कॉफी पिए, तो एक काम करें सब लोग साथ में बाहर बैठकर चाय कॉफी पिए तो। हाँ और साथ में नाश्ता भी करते हैं।
ऋषि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या ला। तू भी अपने हाथों से जूस निकाल के लाया होगा ना। हाँ। की तरह लेट। चलो 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 चलो। चलो भाई आज तो हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। अरे दादाजी सिर्फ नाश्ते से क्या होगा, हम लोग कुछ स्पेशल करते हैं, थोड़ा मिर्च मसाला ऐड करते हैं। अरे गाइस लेट्स प्ले डम शराज किला भाभी, क्या बोलते हो? हाँ हाँ डन। ओके तो रविश मम्मी जी और मैं एक टीम। ओके और दादाजी लाडू बाबा ऋषि एक टीम। नहीं मुझे नहीं खेलना। ऋषि ऐसे क्या कर रहा है यार, खेलना पड़ेगा तुझे। अरे बेटा अगर वो साथ में बैठ के गेम देखना चाहता है तो उसे देखने दे। चलो हम गेम शुरू करते हैं। यस स्टार्ट। सबको रूल्स तो पता है ना? हाँ भाई हाँ, यही ना कि तू किसी फिल्म का नाम सोचकर मुख अभिनय करके बताएगा और फिर तेरे मुख अभिनय से हम तुझे फिल्म का नाम बताएंगे। अरे वाह दादाजी तुसी ग्रेट हो, दादाजी तुसी ग्रेट हो। वो तो देखते हैं। अरे हाँ हाँ बताइए बताइए, और कोई अच्छा नाम देना। डिफिकल्ट डिफिकल्ट। सुख दुख के हम साथी। अरे वाह ये तो मेरी फेवरेट फिल्म है और ये कहना भी बहुत आसान है। दादाजी बोलना अलाउड नहीं है। अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन देख लेना ये लाडू फौरन समझ जाएगी। हाँ तो आप बोलिएगा मत। हाँ हाँ ठीक है आओ भाई गौर करो। दादाजी जवान देखो हंसना। सुख दुख के हम है साथी। देखा मैंने कहा था ना कि लाडू फौरन समझ जाएगी। मेरी सुख दुख की साथी जो ठहरी। थैंक यू लाडू, मेरी हर हालत में बिना कोई सवाल किए बिना कोई फरियाद किए हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए। चलो भाई चलो अब तुम्हारी बारी। हाँ वैसे दादाजी हमारा भी सेम ही है। देखना रविश जैसे ही एक्टिंग करेंगे ना मैं यूं फिल्म का नाम गेस कर लूंगी। अरे देखते देखते हैं कि रविश भाई कितनी एक्टिंग करते हैं और देख लेना कितना गेस करते हो। इला भाभी नो चीटिंग। मेरे दिल की रानी डाकू रानी ऐसी कोई फिल्म ही नहीं है। अरे मैंने देखी थी, ऐसे कैसे नहीं हो सकती? तू मरवाएगा, इंसान देख के फिल्म देता है तू। जा जा परफॉर्म करो। देखो मैं दिल टोपी मास्टर जी की जिंदगी लौटाने के लिए मैं जो करने जा रही हूं क्या वो सही रहेगा? नहीं नहीं सुबली अब सोच मत, अगर मास्टर जी की जिंदगी सलाह का है तो फिर तू कौन होती है ये सोचने वाली कि ये सही है या गलत? तुझे तो बस उन्हें उनकी जिंदगी उनकी खुशियां लौटानी है। क्या कर रही हो इला, जो तुम हो वही फिल्म का नाम है। तुम रमेश भाई यार अब बोल नहीं सकते, चीटिंग है ये। और वैसे भी आपका टाइम अप हो गया। भाभी फिल्म का नाम था मेरे दिल की रानी डाकू रानी। क्या था कहने का, क्या था आपने? वो नाम ही नहीं था। नहीं तो क्यों कहा, जो तुम हो भाई। ये झूठ बोल रहा है।
झूठ बोल रहा है, वो नाम ही नहीं था। अरे इला बेटा, ये तो खेल है, खेल में मजाक चलता है। और तुम थोड़े ही डाकू रानी हो, तुम तो हमारे घर की रानी हो। हाँ। हमारे सबके दिलों की रानी। क्यों? मेरी भी बेटा। देख, अपना मूड स्पॉइल मत कर। रवीना, तू बा को एक ऐसी फिल्म का नाम बोल जिससे उनकी टीम हार जाए। ठीक है? ठीक है, अब फिल्म का नाम देने की बारी मेरी है। यस, कम ऑन इला मम्मी, कम ऑन। हम अमर हैं राजा। मैं हम आपके हम आपके हैं राजा। अरे वाह दादाजी, क्या बात है। और इसी के साथ पापड़ी और जलेबी की प्लेट आपके टीम के नाम। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहा है? शायद मैं अपना मोबाइल रूम में भूल कर आया, मैं लेकर आता हूं। मास्टर जी आने से पहले मुझे मेरा काम निपटाना होगा। मिल गया, फटाफट फोन नंबर लिख लेती हूँ। सुबह, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ ना, क्या कर रही थी यहां पे? वो मैं मासी जी, वो आपने कहा था ना मुझे इंग्लिश लिखना सीखना है, वो ही आपको दिखाने आई थी। अच्छा, हाँ। देखा? हाँ। देखा? ये माड़ी, अगर मास्टर जी ने किताब में लिखा हुआ नंबर देख लिया तो देख लिया ना आपने मास्टर जी? हाँ देख लिया, लेकिन तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही? वो सही से लिखा है या नहीं तो वो टेंशन। एकदम सही लिखा है, डोंट वरी। अब मैं चलती हूँ। हाँ एक मिनट, सुबह यहाँ आना। सुबह, कल तुमने मुझे जाने से रोका, उसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छा काम किया तुमने, वरना मेरी फैमिली तो बहुत टेंस्ड हो जाती। मैं अब देख रहा हूँ कि मुझे खुश रखने के लिए वो लोग कैसे कैसे गेम्स खेल रहे हैं। आई लव माई फैमिली, थैंक यू वंस अगेन। क्या करूं, इतना तो कभी एक साथ जिंदगी में सोचा ही नहीं ना, तो माथा घूम रहा है मेरा। पर कुछ तो पक्का करना ही पड़ेगा ना सुबली। We'll be right back.
छिपकर किससे बात कर रही थी? वो काकी मैम सलाका से। मुझे तुझसे मिलना है। सल्लू, अब याद आई है तुझे सल्लू की? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। ये अचानक सुबह को क्या हो गया? उससे मिलना क्यों चाहती है? पता नहीं है उसकी कौन सी चाल है। क्यों बार बार फोन करके परेशान करिए मुझे? मैं फोन रख रही हूँ। चलो फोन मत रखना। देख, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगी ना, तो एक बहुत बड़ी चीज खो देगी। और है ही क्या मेरे पास खोने के लिए? तूने मुझे ऋषि से जो दूर कर दिया, अब वो ना मेरा फोन उठाता ना मुझसे बात करता। तुझे यही लगता है ना सलाका, कि मैंने तेरा ऋषि कुमार तुझसे छीन लिया? तो अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि मैं तुम दोनों को मिलवाना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? वही जो तूने सुना, मैं तुझे और मास्टर जी को मिलवाना चाहती हूँ। कैसे? वो सब मैं तुझसे मिलकर बताऊंगी। कब मिलना है? आज रात को घर के बाहर मैं तुझसे मिलने वही आ जाऊंगी। ठीक है। ये सच कह रहे हैं या इसके कोई नई चाल है? सुबह छिप छिप कर किससे बात कर रही थी? वो काकी मैम सलाका से। क्या कहा तुमने? सलाका से? लेकिन क्यों? आप ही ने तो कहा था ना काकी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? मैंने कब कहा कि सलाका से फोन पे बात करूं? हाँ, लेकिन आपने ये तो पूछा था ना कि मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दूंगी। तो मैं अपने मास्टर जी को उनकी जिंदगी वापस लौटाना चाहती हूँ। और मैं जान चुकी हूँ कि सलाका ही मास्टर जी की जिंदगी है। वो उससे बहुत प्यार करते और इसीलिए उसे अभी तक भुला नहीं पाए। इसलिए मैंने ठान ली है कि मैं उन दोनों को मिलाकर रहूंगी। मैंने ठीक किया ना? सचमुच तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेरा ऋषि सलाका से सच्चा प्यार करता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि सलाका भी ऋषि से सच्चा प्यार करती है या नहीं। तुमने जो सोचा है वो एक रास्ता है ऋषि की जिंदगी में खुशियां लौटाने का, लेकिन अगर वो लड़की गलत निकली तो मेरा बेटा फिर से टूट जाएगा, फिर से बिखर जाएगा। नहीं का, किसी भी हालत में मैं मास्टर जी को फिर से टूटने नहीं दे सकती। अब बताइए ना मैं क्या करूं? तुम ये जानने की कोशिश करो कि सलाका ऋषि से सच्चा प्यार करती है या नहीं, और अगर वो सच्चा प्यार नहीं करती तो उस लड़की का नाम मुझे इस घर में नहीं सुनना है। समझी? और जला ले अपने आप को, या फिर कबूल कर ले कि तेरा प्यार झूठा है।
ये सुबह अब तक आई क्यों नहीं? उसके कोई नई चाल तो नहीं है? सलाका, मुझे और ऋषि को क्यों मिलाना चाहती है जबकि तू खुद ऋषि से प्यार करने लगी है? हाँ, लेकिन ऋषि कुमार सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं सलाका। जब से तू घर से गई है जैसे उन्होंने जीना ही छोड़ दिया। मैं उन्हें सिर्फ उनकी जिंदगी वापस लौटाना चाहती हूँ। मैं भी नहीं जी पा रही उनके बिना। सुम्भू, तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा हम दोनों पर अगर तू हम दोनों को फिर से मिला देगी तो। तू ऋषि कुमार से बहुत प्यार करती है ना सलाका? हाँ। तो उनका प्यार पाने के लिए क्या कर सकती है तू? कुछ भी सुम्भू, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उनका प्यार पाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ठीक है, तो चल। ये लो, मिट्टी का तेल। क्या कहा था तुमने? ऋषि कुमार से प्यार करती हो और उनके लिए अपनी जान तक दे दूं। तो लो, इसे अपने आप पे डालो और जला लो अपने आप। लो, मार डालो अपने आप। नहीं मार सकती ना? ये ले दीली और जला ले अपने आप को, या फिर कबूल कर ले कि तेरा प्यार झूठा है। और अगर सच्चा है तो जला अपने आप। सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तुझे एक जिम्मेदारी का काम सौंप के जा रही हूँ। अरे आप हुक्म कीजिए लाडूबा। सुबह घर में अकेली है बेटा, तू उसका ख्याल रखना। ये क्या? मैं हीरो और तुम हीरोइन बनकर लव स्टोरी की फिल्म बना सकते हैं।